एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम डायरी। आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम बात करने वाले हैं मेरी फ्रिज के बारे में, जो कि सिंगल डोर फ्रिज है एंड ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत नॉर्मल फ्रिज है, क्योंकि इसके पहले मैं और मोहित दोनों वर्किंग थे तो हमें कभी फ्रिज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं, सो इसलिए हमने ये लिया था। बट हमारा काम हो जाता है तो चीज़ों को करके अपने जो फ्रिज है उसमें थोड़ा सा जो है स्पेस क्रिएट कर सकते हो। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ नया परचेज करूँ अपनी फ्रिज के लिए, जो जैसा है मैं उसे वैसे ही रखना चाहती, तो मैंने घर की कुछ चीज़ें जो हैं छोटी मोटी चीज़ों को फ्रिज में यूज़ किया हुआ है, यही सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरी टिप्स और ट्रिक्स आपको अच्छी लगती है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो की और भी ऐसी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो ये है मेरा सिंगल डोर का छोटा सा फ्रिज जो कि मैंने आज से 4 साल पहले लिया हुआ था एंड वो वैसे का वैसे ही दिख रहा है। बहुत अच्छे से मैंने इसको जो है थोड़ा सा मेंटेन करके रखा हुआ है तो वो पुराना नहीं दिखता और नया ही लगता है। एंड इसको मैंने किचन में ही रखा हुआ है, जो हमारा किचन है उससे ही अटैच है, ये छोटा सा अलग से स्पेस दिया हुआ है, जस्ट प्लेटफॉर्म के बगल से है, तो यहाँ पर सिंगल डोर वाला ही फ्रिज आ सकता है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। एंड यहाँ पर बोर्ड है, जिस बोर्ड में आपको 3 कनेक्शन है, जहाँ पर यहाँ पे आपको ड्रायर बालकनी का कनेक्शन यहीं से है, जो भी बल्ब वगैरह का है वहाँ पे, एंड चिमनी का कनेक्शन भी यहीं से है एंड फ्रिज का कनेक्शन भी यहीं से है। बगल से एक छोटा सा बोर्ड था जहाँ पे मैंने नाइट बल्ब लगाया हुआ है, कई बार रात को हम पानी वगैरह पीने के लिए उठते हैं तो लाइट तो मोस्टली मैं हर जगह की बंद करके रखती हूँ, बट ये छोटा सा बल्ब जलता रहता है तो इससे एक रूम में काफ़ी जो है लाइट रहती है, सो ये काफ़ी काम आता है। ये है मेरे फ्रिज के ऊपर वाला सेक्शन जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये एक कैंडल है जो मैं शाम को यहाँ पे जला देती हूँ, तो थोड़ा सा जो कैंडल का रोशनी होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है जलाने के बाद, और काफ़ी अच्छा जो है थोड़ा सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, सो इसलिए मैं शाम को थोड़ा सा कैंडल जलाती हूँ। सो कैंडल का मोम जो है वो थोड़ा थोड़ा सा इसमें रह गया था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने कुछ इस तरह से इसे जो है अभी यूज़ कर लिया। इसका मैं एक छोटा सा DIY करूँ, बट मैंने इसे ऐसे ही अभी टिशू के लिए यूज़ कर लिया है। ये मेरी एक टैबलेट है जिसको मैं बाहर इसलिए रखती हूँ ताकि मुझे ये भूले नहीं और मैं खा सकूँ, क्योंकि मैं टैबलेट वगैरह बहुत कम खाती हूँ, इवन मैं नहीं ही खाती हूँ, ज़्यादा प्रेफर नहीं करती दवाइयाँ, सो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे रखा हुआ है ताकि मैं भूलूँ नहीं। कुछ मैंने ऐसे डेकोरेट की चीज़ें रख दी हैं डेकोरेशन के लिए यहाँ पर, एंड कुछ पेन और डायरी है जो हम मंथ का सामान वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे ये यूज़ के लिए आती हैं। ये एक नमक है सॉल्ट का छोटा सा डब्बा मैंने यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, ताकि जब हम हमारे खाने में अगर जो भी नमक वगैरह थोड़ा सा कम है तो हम यहाँ से ले सके, बाकी का जो हमारा नमक है वो छुबे नहीं। तो मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मानती हूँ, खाते पीते चीज़ें नहीं छूती हूँ, नहीं टच करती हूँ, तो वो भगवान के कई बार भोग के लिए भी होता है। आपको फ्रिज के अंदर दिखा देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसे बास्केट वगैरह का जो है यूज़ नहीं किया है, मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है अपनी फ्रिज के लिए, जो मेरे पास चीज़ें थी उसी से मैंने जो है अपनी फ्रिज को थोड़ा सा मेनटेन किया हुआ है। एक्स्ट्रा कोई मैंने यहाँ पर खर्चे नहीं किए, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स नहीं किए हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ईजी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको घर में आपके मिल जानी है, और आप वही सारी चीज़ों से थोड़ा सा उसे जो है अच्छे से रख सकते हो। और मैंने यहाँ पे उन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ किया है जो हमको हमारे खाने में या हमारे चीज़ों में हमें फ्री में मिलती हैं, तो उनका यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पे एक हल्दी का डब्बा है, इस डब्बे में मेरी बनाई हुई घर की हल्दी है जो मम्मी ने मुझे मेरी बना के दी थी, बरसात या ठंड में आप इसे खाते हो तो ये हल्दी को फुलो के फिर इसको तल के एंड उसको पीस के बनाते हैं, चावल या रोटी के साथ आप इसे आराम से खा सकते हो, चपाती के साथ। सो ये हम कभी कभी यूज़ करते हैं, तो मैंने इसे लिए फ्रिज में रखा है ताकि वो ख़राब ना हो। और ये है पीनट बटर जो कि ब्रेड वगैरह में रियांश और मैं खाती हूँ, मोहित तो नहीं खाते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह का प्रॉब्लम है, तो पीनट्स थोड़ा सा वो जो है अवॉइड करते हैं। ये कॉफ़ी है, मैं हफ्ते में 3 बार कॉफ़ी हम लोग पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, तो उसके लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा है, क्योंकि खुलने के बाद क्या है कॉफ़ी थोड़ा सा जो है हवा लगती है और ख़राब हो जाता है, फ्रिज में मैं इसे रखती हूँ तो बार बार जो है टच नहीं होती है। ये हमारा हजमोला है जो कि हम खाने के बाद कभी कभी लेते हैं अगर हमारा खाना कभी लेट हुआ तो। मैंने एक बास्केट इस तरह से रखी हुई है अपने फ्रिज में ताकि चीज़ें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहें, जब भी हम कोई चीज़ निकालें तो यहाँ वहाँ से गिरे नहीं, और अगर जो बास्केट में रहेगा तो हम बास्केट निकाल के वापस से उसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सो इसमें थोड़ा सा हनी है, हनी को मैंने बाहर नहीं रखा है क्योंकि हनी में जो है चींटियाँ लग जाती हैं, और आप चाहे जितनी क्लीनिंग करो कुछ ना कुछ कीड़े वगैरह घर में रहते ही हैं, सो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है ताकि वो इसमें लगे नहीं। ये हमारा चमनप्राश है,
ये भी हमारा ठंडियों में और बरसात में ही यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने उसे फ्रिज में ही रखा है ताकि बाहर ख़राब ना हो। ये हमारा जैम है एंड ये मेरा बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा जो मैं केक वगैरह बनाती हूँ उसमें यूज़ करती हूँ। ये हमारा थोड़ा सा एशियंस वगैरह है जो कि वही सेम केक वगैरह में चीज़ें यूज़ होती हैं। ये हमारा है केसर सैफरन जो कि हम खीर वगैरह में या फिर मैं रियांश को जब दूध वगैरह कभी देती हूँ तो उसे इसको डाल के देती हूँ। मैं डेली नहीं डाल के देती, कभी कभी देती हूँ, बस वो नॉर्मली पी ही लेता है बिना कुछ मिक्स करे। ये है कुछ मेरे पास एयर कंटेनर बॉक्स जो कि दो बॉक्स हैं, इसमें मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो हमारे खाने के बाद थोड़ा बहुत बच जाती हैं। मैं रियांश को जैसे मैंने ये उसको कपकेक दिया तो मैं उसको हाफ़ करके देती हूँ, पूरा वो खा नहीं पाता, तो हाफ इन द सेंस 25% हम देते हैं उसे खाने के लिए एंड 75% कुछ इस तरह से बच जाता है, तो हम उसे जो है अच्छे से पैक करके रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि जितना उसमें ठंडक होगी बाहर रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, और फ्रिज में अगर खोल के रखेंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सो ये एक नेक्स्ट बॉक्स है जिसमें मैंने एप्पल वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि रियांश को जब हम सुबह एप्पल कट करके देते हैं तो पूरा खाता नहीं है, तो हाफ मैं कुछ इस तरह से रख देती हूँ ताकि वो काला ना हो और सूखे नहीं। सो इसलिए इस तरह का मैंने बॉक्स रखा हुआ है। ये कुछ मेहंदी है और कुछ लेमन है जो कि हम पानी में डाल के बाथ वगैरह लेते हैं लेमन का, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड ये है सॉस, इसको भी मैंने फ्रिज में रखा है, बहुत कम बहुत रेयर हमारे यहाँ सॉस यूज़ होता है, जब कोई आता है तभी। एंड ये है मियोनी जो रियांश थोड़ा बहुत खाता है उसे मैं खिलाती हूँ, कई बार वो खाना नहीं खाता है, एक ही चीज़ खा के बोर हो जाता है, तो ये मेयोनीज़ थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज करने के लिए है। यहाँ पे चार बॉक्स हैं, मैंने कुछ इस तरह के कंटेनर रखे हुए हैं जिसमें मैं अपने जो है मसाले रखी हुई हूँ, इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड मेरा मेथी पाउडर है थोड़ा सा इसमें। एंड एक बॉक्स मैंने खाली रखा हुआ है, जो हम चाय वगैरह में अदरक डालते हैं तो अदरक बच जाता है, तो मैं उस बॉक्स में अदरक को रखती हूँ ताकि बाहर ना रखूं, और बाहर कई बार कीड़े वगैरह लग जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट है मेरा ये नीचे वाला सेक्शन जिसमें मैंने मेरी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। ये बॉक्स वो है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, जब हम खाना मंगाते हैं ऑनलाइन तो ये बॉक्स हमें मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छे बॉक्सेस हैं, काफ़ी अच्छे से आप इन्हें यूज़ कर सकते हो और लॉन्ग टाइम चलते हैं ऐसा नहीं है, बट अगर आप 2 महीने 3 महीने में इन्हें यूज़ कर लेते हो तो वो सफिशियंट होते हैं इतना। सो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो मैंने मखाने वगैरह हैं थोड़ा सा रोस्ट करके रखे हैं। ये एक्स्ट्रा दही है जो कि मुझे कभी कभी पूजा में लगता है तो मैं अलग से इसको रखती हूँ ताकि वो हमारे खाने में छुपे नहीं। एंड एक्स्ट्रा ये डब्बे मैंने रखे हुए हैं, कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हुई तो रख सकती हूँ मैं इसमें। नेक्स्ट है ये छोटे वाले बॉक्स, ये भी एयर कंटेनर बॉक्स हैं एंड इसमें मैंने खजूर वगैरह जो भी मेरे हैं जो वो चीज़ें हैं जो आप बाहर रखो फ्रिज में स्मेल आने लग जाती है, तो मैंने उस तरह से इसे जो है थोड़ा सा पैक करके रखा हुआ ताकि पूरी फ्रिज में स्मेल जो चीज़ों की है वो चेंज ना हो, क्योंकि आप खाना रखते हो, दूध रखते हो और इन सारी चीज़ों की स्मेल जो है बाहर फ्रिज से होती है और खाने में वो स्मेल आती है तो खाना जो है ख़राब हो जाता है, टेस्ट नहीं रह जाता। इसमें कुछ मेरे मसाले हैं, सूखे मसाले जो मैंने इस तरह से पैक करके रखे हैं, इस तरह से मसाले जो हैं गिरते नहीं हैं। एंड मैंने यहाँ पे रबर का यूज़ किया हुआ है, मैंने क्लिप का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। एक्चुअली मैं बिल्कुल भी मैंने फ्रिज के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैंने वही चीज़ों का यूज़ किया है जो नॉर्मली हमारे घर में पड़ी मिल जाती हैं, खाने में आपको रबर मिल जाती है, रबर तो बहुत सस्ती आती है, एक पाउच आप 5 रुपये का खरीद सकते हो, काफ़ी चीज़ों में आप इन्हें जो है यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐसे अलग से रखी हुई हैं, और रियांश भी कई बार फ्रिज हम खोलते हैं तो आता है, तो ये इसलिए मैंने पैक करके जो चीज़ें रखी हैं यहाँ पे रखी हैं, अगर वो लेता भी है तो गिरे नहीं। सो नीचे वाले सेक्शन में मैंने कुछ ट्रायलमेंट्स रखे हुए हैं, ये मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसे मैं तो नहीं यूज़ करती, जब मैं नहीं रहती हूँ तो मोहित इसे यूज़ करते हैं, सो मैंने इस तरह से इसे कुछ सामने रखा हुआ है ताकि उन्हें थोड़ा सा ढूंढने में आसानी हो। ये रागी का आटा है, रियांश को जब मैं ओट्स या डोसा वगैरह बना के देती हूँ या फिर हम उसे जो इसकी खीर वगैरह बनाते हैं तो ये बाहर रखने से ख़राब हो जाता है काफ़ी जल्दी, इसलिए मैंने ये अंदर रखा हुआ है। ये रवा है और इसमें स्टील वाले में मेरा घी है, ये भी मेरा पूजा वाला घी है जो कि मैं अलग रखती हूँ, खाने वाला घी मैंने अलग रखा हुआ है, बाहर ही रखा हुआ है क्योंकि वो डेली यूज़ होता है एंड ये कभी कभी यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसे अंदर रखा हुआ है। सो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये तो इस सेक्शन का यूज़ मुझे नहीं होता है, जबकि मुझे फेस के लिए बर्फ की ज़रूरत होती है, आइस की ज़रूरत होती है तो ही इसका यूज़ होता है, बाकी मैं आइस वगैरह का यूज़ नहीं करती। और पुणे में भी ठंडी हो रही है क्योंकि बारिश, और बारिश में मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे इम्पिटी रखती हूँ, कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं रखती हूँ। नेक्स्ट है मेरा ये वाला सेक्शन, तो इसमें मेरे कुछ बेबी वाइप्स वगैरह हैं और मेरा कुछ आई
पैक वगैरह है मैंने आँख पे लगाने के लिए, जब भी कभी आपके आँख में जलन वगैरह हो तो इस तरह से जो आई पैक है वो आप लगा सकते हो और काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी आराम मिलता है आपकी आँखों को, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये मेरे कुछ मास्क हैं, सीप मास्क हैं जो कि मेरे पास अभी पिछले एक साल से पड़े हुए, मैंने इन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और एक्सपायरी नहीं हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको यूज़ करने का, कभी ना कभी करूँगी मैं। नेक्स्ट है ये वाला सेक्शन जहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कंटेनर में या बॉटल में या कुछ अलग तरीके से दूध रखते हैं, बट उस तरीके से मैंने कंटेनर में रख के देखा भी है कई बार, कांच की जो बॉटल्स होती हैं उसमें मैंने दूध रख के देखा है, मलाई उतनी अच्छी नहीं होती है, सो इसलिए मैंने इस तरह से दूध रखा है। एंड ये हमारे यहाँ तीज की जो पूजा होती है उसमें रखा जाता है, तो ये मैंने इसे ढकने के लिए यूज़ कर लिया है। ये बैम्बू का है तो काफ़ी अच्छा होता है ये, एंड आपको एक्स्ट्रा प्लेट या छन्नी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इसे ढकने के लिए। सो नेक्स्ट है नीचे वाला सेक्शन, इस सेक्शन में मैं सारी खाने की चीज़ें रखती हूँ, दूध वाली, दूध मैं ऊपर इसलिए रखती हूँ ताकि हम भगवान को जो भोग लगाते हैं वो अलग रहे, छुपे रहें। सो मैंने अदरक बाहर निकाल के रखा है क्योंकि मेरे घर में चाय काफ़ी ज़्यादा बनती है, 4 से 5 बार तो मोहित तो ही कई बार बनाते हैं, इसलिए मैंने जो है अदरक को अलग से रखा है ताकि उनको ढूंढने में थोड़ा सा आसानी हो, बार बार वो सामान यहाँ से वहाँ ना करें और मेरे जो घर है वो भी ना फैले। इसमें कुछ स्नैक्स वगैरह समोसे वगैरह हैं, ये मोहित को थोड़ा सा अच्छे लगते हैं तो ये हम लेके आए थे, तो अभी उन्होंने टेस्ट नहीं किया है बट मैंने कुछ इस तरह से बॉक्स में रखा है ताकि ये ख़राब ना हो। एक ये बॉक्स है जिसमें मैंने सारी अपनी वो चीज़ें रखी हैं, जैसे कि मेरी ग्रीन टी है और इनो वगैरह मैंने इसमें रखा हुआ है और कुछ पॉपकॉर्न है जो कि हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, और मैंने इसे फ्रिज में रखा ताकि वो ख़राब ना हो, पॉपकॉर्न की कई बार स्मेल चेंज हो जाती है। एंड ये है कुट्टू का आटा जो कि काफ़ी जल्दी ख़राब होता है, इसलिए मैंने उसे जो है फ्रिज में रखा हुआ है और कुछ इस तरह से रबड़ लगा के रखा हुआ, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपनी किचन के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्लिप वगैरह लूँ मैं तो बहुत ईजिली मैंने वही चीज़ें यूज़ की यहाँ पे जो हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाती है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको पैक करके रख सकते हो पूरा। नेक्स्ट है ये बॉक्सेस जो कि सेम बॉक्सेस हैं, कुछ खाने वाले हैं एंड कुछ ये मैंने बहुत टाइम पहले लिए थे, तो उसमें मैं अपना जो भी मेरा है चीज़ वगैरह वो सारी चीज़ें रखी हूँ। इसमें थोड़ा सा पनीर रखे हुए हैं एंड इसमें मैं जो भी मैंने लड्डू वगैरह मीठा वगैरह बनाया था वो सारी चीज़ें मैंने रखी हैं ताकि ये जो है ख़राब ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये मीठा मैंने कच्ची नारियल से बनाया था एंड इसका मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो मैंने कैसे बनाया था इसे। सो मैंने मेरी फ्रिज में ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ है जिसकी ज़रूरत फ्रिज में ना हो या आपको किचन में ना हो, एक्स्ट्रा कोई चीज़ें मैंने जो है फ्रिज में ऐड नहीं की हैं, और मैंने कुछ चीज़ें जो हैं अलग अलग रखी हैं जो हमको पूजा के लिए यूज़ होती हैं, जो डेली यूज़ में यूज़ होती हैं एंड जो हमारे अलावा भी कोई दूसरा फ्रिज को ओपन करे या खोले तो उसको सामने से वो चीज़ें मिल जाएँ, तो मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड करके चीज़ें रखी हुई हैं कि इनकेस अगर मेरी जगह पर मोहित यहाँ पर रहते हैं, कई बार मैं घर चली जाती हूँ वो होते हैं, तो इनके जो है चीज़ें आराम से मिल जाएँ, उन्हें ज़्यादा जो है चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, सो इसलिए मैंने चीज़ें अलग अलग रखी हुई हैं। सो नेक्स्ट है ये वाला सेक्शन, इसमें मैंने दही रखी हुई है, ये वो दही है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, हम चाहे बरसात हो या ठंडी हो हम थोड़ा बहुत दही खाते ही खाते हैं। एंड इसमें मैंने मेरी मलाई जोड़ के रखी हुई है जिसका कल मैं अभी घी निकालने वाली हूँ। एंड ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, इस तरह के बॉक्स में मैंने रखे, उसे फ्रिज में रखे हुए हैं क्योंकि कई बार फ्रिज। सो ये है मेरा वेजिटेबल वाला सेक्शन जो कि ज़ीरो बजट में मैंने बनाया हुआ है, तो ज़ीरो बजट का मतलब है ये जो कैरी बैग आप देख रहे हो, ये कैरी बैग जो है जिप वाले हैं और कुछ स्टिक वाले हैं, ये सारी कैरी बैग जो है कपड़े के कैरी बैग हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि क्यों ना सब्जी के लिए मैं जिप बैग जो आते हैं वो लूँ, बट मेरे को जस्ट मैंने ये सारे देखे क्योंकि मैं ये जब कभी ट्रैवल करती हूँ तो शैम्पू वगैरह या मेरे सोप वगैरह इनमें रख के लेके जाती थी जो कि वो लीक नहीं होते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना सब्ज़ी के लिए थोड़ा सा यूज़ किया जाए, तो वो एक हफ्ते हो गए मुझे इसमें सब्ज़ी रखी हुई और यहाँ पे बिल्कुल भी सब्ज़ी ख़राब नहीं हुई है, पूरी सब्ज़ी ताज़ी की ताज़ी है, ना तो सब्ज़ी का कलर चेंज हुआ है, ना तो मुरझाई है और ना ही तो कुछ ऐसा बासी टाइप लग रही है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मेनटेन है, तो फालतू को पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इन तरह से इस तरह से जो चीज़ें हैं आपके पास उन्हें यूज़ करके आप यहाँ पर जो है अच्छे से जो है सब्ज़ी रख सकते हो। नॉर्मली आपके पास जो कैरी बैग होते हैं पॉलीथीन, हालांकि वो तो अब बैन हो गई हैं, बट उसमें भी आप रबर लगा के अगर आप रखते हो, अगर आपके पास क्लिप है जो क्लिप आती हैं उन्हें लगा के रखते हो तो उसमें भी सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। एंड धनिया वगैरह तो हम अलग से बॉक्सेस में रखते हैं। फिलहाल मेरे पास अभी थोड़ा बहुत सब्जियां और फ्रूट्स जो हैं वो ख़त्म है, तो फ्राइडे यहाँ पे मार्केट लगता है एंड ट्यूजडे लगता है, तो अभी कल है फ्राइडे और हम जाएंगे, कुछ हमारे वेजिटेबल्स वगैरह हैं एंड कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम लेके आएंगे,
सो वो सारी चीज़ें मैं इसी ट्रॉली में रखती हूँ। और सिंगल डोर फ्रिज है, इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको स्पेस की कमी है। बिल्कुल आप मेरा फ्रिज देख सकते हो, बिल्कुल कहीं पे आपको स्पेस की कमी नहीं समझ में आएगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई हैं। और कुछ इस तरह से अगर आप फ्रिज में चीज़ें रखते हो तो आपको सिंगल डोर या डबल डोर फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंगल डोर में आपका काम आसानी से हो जाता है। अगर आप एक सिंगल फैमिली हो, जैसे कि मैं, रियांश और मोहित ही हैं, तो हम लोगों का जितना सामान है सफिशियंट है, इसमें आ जाता है, काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे ऐसे और भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा एंड टेक केयर।